असलकुम आपको हमारे यूट्यूब चैनल में ख़ुश आमदेद आज हम आपको यामा हॉट टू का आयल पम्प के बारे में बताएंगे कि ये काम कैसे करता है इसमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं और इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है कुछ ग़लत फहमियाँ भी हुए हैं लोगों के बारे में वो भी डिस्कस करेंगे और एक और बड़े मेरे हिसाब से बड़े एक कॉमन सी बात है जब तक आपको किसी चीज़ का वर्किंग प्रिंसिपल नहीं पता कि ये चीज़ काम कैसे करती है तो आप उसको रिपेयर कैसे करेंगे तो आमतौर तो पर ये होता है जी ये सीलिंग बदला दो जी ये कर लो वो कर लो खैर इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं एक एक पार्ट फिर आपको साथ साथ डिटेल में बताते हैं इसके बारे में अच्छा सबसे पहले ये बताता चलूँ ये इसकी गैसकेट होती है और अगर आप ये इसकी जगह जब रिप्लेस करते हैं ज़्यादा मोटी रखेंगे गैसकेट ये जो जैन है तो इससे भी इसके वर्किंग में फ़र्क आ सकता है ये ऊपर एक वाशर होती है उसके नीचे ये गरारी ये गरारी लगानी कैसे है ये इस तरीके से ये जहन में रखेंगे ये जो इसके ये जो पिन होगी ये आपने ये गरारी ऐसे नहीं लगानी ये इस पोजीशन पे लगेगी आपकी अच्छा इसके नीचे दो वाशर्स होती हैं एक ये स्प्रिंग टाइप वाशर होगी ये वाली एक ये वाशर होगी यहाँ पे उसके बाद एक और प्लेन वाशर होगी जो ये है इसमें एक सील होती है ये वाली ये सील है और सबसे इम्पोर्टेंट सील ये होती है उसके बाद एक सील ये होती है मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ अभी एक ये सील हो गई ये इसका पिस्टन आप कह सकते हैं अच्छा ये एक नट का उसके ऊपर ये लॉक वाशर एक ये वाशर और ये कुछ छोटी छोटी दो या तीन वाशले होंगी और ये आपका ये अंदर से ये जिसको आप पिस्टन कह सकते हैं ये निकल आएगा इसके नीचे एक वाशर होती है यहाँ पे और उसके ऊपर ताकि स्प्रिंग जो है इसके ऊपर होल्ड रह सके अच्छा सबसे पहले ये कि ऑयल पंप काम कैसे करता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपका जो टापे से पाइप लगा होता है वो इस जगह आके लगता है और यहाँ से ये जो पाइप है इसकी आउटपुट है ये इसका लगता है जाके आपके कार्बोरेटर पे या ओल्ड मॉडल में सीधा आपका रोटरी वाल कोर पे लगता था ये जो है इसका बोल्ट आप जब ये खोलते हैं तो ये एयर ब्लीड के लिए होता है ये शाफ्ट होती है इंजन में से निकली ये शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे जाके लग जाता है और ये जो गरारी है बेसिकली ये लगती है यहाँ पे और ये इस तरह ये बैठी होती है नीचे दो वाशल्स होती हैं मैंने निकाली हैं और ये इस तरह बैठती है ये आपको देखें यहाँ से ये अंदर गरारी नज़र आ रही होगी वो शार्ट घूम रही होती है और इस गरारी को ऐसे घुमारी होती है जब ये ग्रारी घूम रही है तो ये भी साथ साथ ये घूमता रहता है ये वाला पोर्शन अब होता क्या है कि एक ये अब होल देख रहे हैं ये वाला मैं अब जूम करने की कोशिश करता हूँ ये होल उसके बाद एक यहाँ पे भी होल है ये स, ये देखें इस जगह पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये यहाँ पे करके एक होल है ये और इसके सामने एक और ही होल है आ, ये देखें ये यहाँ पे आपको ये होल नज़र आ रहा होगा और ये वही होल है जहाँ से आपका ऑयल यहाँ से निकल कर बाहर की तरफ जाता है अच्छा इसको खोलने का तरीका ही होता है कोई भी आप पलायर ले लें ले, या ग्रिप आइस कोई भी ले लें इसकी चूड़ी वगैरह नहीं होती ऐसे हल्का हल्का घुमा घुमा के आपने इसको उतारना होता है थोड़ा सा टाइट होता है इसके अंदर होता है एक स्प्रिंग ये वाला और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है बहुत ही सॉफ्ट एक ये स्प्रिंग हो गया इसके नीचे गोली होगी ये, ये बॉल ये आप देखेंगे ये होगी और उसके नीचे एक ये सील लगी होगी इस तरह की होता क्या है कि ये सील नीचे लगी होती है उसके ऊपर ये बाल आ जाती है उसके ऊपर ये स्प्रिंग जो है ये आपका इसको हल्का सा पुश करके रखता है इस बाल को अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि जो आपका टॉपिक आयल है वो ऑटोमेटिकली जब बाइक बांध भी खड़ा होगा तो पम्प में से आके रिश्ते रिश्ते यहाँ से बाहर निकलता रहेगा कार्बोरेटर में आ गया से कुछ इंजन में चला जाता है वो चैम्बर में और कुछ कार्बोरेटर से बाहर निकलता रहता है सुबह आप देखेंगे नीचे ढेर लगाता है ऑयल का तो ये इसको के नॉर्मल कंडीशन में इन बाइक स्टार्ट ना हो तो ऑयल बाहर ना निकले उस लिए ये गोली होती है अगर इसकी सरफेस ख़राब हो चुकी हो तो फिर भी कह लें कि ऑयल का बहाव होता रहता है बाइक ऑफ कंडीशन में भी और अगर आपका स्प्रिंग जो है ये कह लें कि ख़राब हो जाए बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाए या यहाँ पर कचरा वगैरह आ जाए तब ये लीकेज होती रहती है अच्छा अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि काम कैसे करता है ये देखें जैसे कि इंजेक्शन है इंजेक्शन की तरह काम करता है एक टाइम में ऐसे ऑयल ऐसे फिल करता है अपने अंदर एक सुराख से और दूसरे सुराख से मैं जाके ऐसे पुश कर देता है कैसे होता क्या है कि जब ये घूम घूमरी होती है तो ये देखें इसको ऐसे ऊपर नीचे कर करती है मैं अभी दूसरे मेथड से भी आपको चेक करा देता हूँ कि ये सिलेंडर है ये इसका पिस्टन बना हुआ है ये इस तरह मूव करता है ये फिक्स होती है ये वाला पोर्शन ऊपर नीचे हो सकता है साइड बाय साइड घूम नहीं सकता जब ये देखें ये ऐसे आता है तो ये देखें अंदर बाहर हो रहा है इसका ये इसकी वजह से इसकी सरफेस की वजह से जो ही ये ऐसे ऊपर होता है ये होल है यहाँ से ये सक करता है किस होल से सक करता है इस होल से उसके बाद ये तो फ़िक्स है लेकिन ये घूम रहा है फिर ये घूमते घूमते ये जो होल है जब इस होल के करीब आता है जो यहाँ से ओपन है तो ये जब ये नीचे जाता है तो जो आयल इसने अपनी इस ट्यूब में सिलेंडर में सक किया होता है वो उस ऑयल में इंजेक्ट कर देता है यानी ये ऐसे होता है यहाँ से एक होल से ये ऑयल सक करता है जब ये घूमते घूमते दूसरे होल के करीब आता है तो ये नीचे पुश होता है और वो अपना सारा आयल वहाँ पे दे देता है और ये आयल यहाँ से फिर इस पाइप के ज़रिए होते हुए आपके कार्बोरेटर में चला जाता है अब इसमें ख़राबियाँ क्या क्या हो हो सकती हैं सब मेन चीज़ होती है एक आपका ये जो सिलेंडर सब बना होता है ये अगर इसकी सरफेस पे डीप स्क्रैचेस पड़ गए हों बहुत ज़्यादा घिस गया हो तो फिर समझ लें कि ये आपका ऑयल पम्प सही काम नहीं करेगा और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट सील होती है ये वाली इसको चेक कैसे किया जाता है यहाँ पे इसको रखें हल्का सा पुश करें तो आपको कोई रेजिस्टेंस फील हो रही हो तो फिर इसका मतलब है कि आपकी ये सील ठीक है अगर बिल्कुल ये रखें साथ बिल्कुल फ्रीली बहुत ही फ्रीली मूव करें लूज़ ओपन ये बीच में तो इसका मतलब है आपकी सील ख़राब है अगर कॉमन सेंस की बात है एक कि अगर ये आपकी सील लूज़ हो चुकी है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तो डेफिनेटली जब ये ऐसे करेगा तो वैक्यूम ही पैदा नहीं होगा तो यहाँ से आयल ही सक नहीं करेगा अक्सर लोग कहते हैं जी कि आयल पंप जो है आयल ज़्यादा दे रहा है क्या जी सीलें ख़त्म हो गई सीलें ख़त्म हो तो उसने आयल देने ही नहीं है क्यों कि जब ये ऐसे ऊपर मूव करेगा अंदर वैक्यूम बनना होता है यहाँ से इसने शक करना होता है जब सील ही लीक है इसकी सील ही लूज़ है तो ये वैक्यूम कैसे बनेगा सक कैसे करेगा ये और पुश करेगा तो यहाँ से बाहर ऑयल आ जाना यहाँ से तो फिर निकलना ही नहीं है और अगर दूसरी सील ये होती है यहाँ पे ये अगर सील आपकी लूज़ हो चुकी हो तो उसकी निशानी ये होती है कि जो ये एरिया होता है ये एरिया यहाँ से आपका आयल रिसना शुरू हो जाता है यहाँ से आयल साफ़ महसूस होता है यार यहाँ पे ऑयल आ रहा है बार बार तो इसका मतलब होता है ये सील लीक है जब भी कभी आपने ऑयल पंप को रिपेयर करना हो तो अगर तो यहाँ पर आपके ऑयल आ रहा है इस एरिया में या ये जो एरिया बन रहा है तब तो आप इस सील को रिप्लेस कर लें अदरवाइज़ इस सील को रिप्लेस करने का कोई फ़ायदा नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं बनती अगर आपकी ये पिन यहाँ से घिस चुकी है कट चुकी है डीप स्क्रैच पड़े हैं तो फिर ये ही रिप्लेस करना पड़ता है ये न्यू तो मिलता नहीं फिर किसी पुराने पम्प में से अगर अच्छी कंडीशन में मिल जाए तो वही है हैल को रिपेयर करने का फिर एक और चीज़ होती है जी कि ये वाशल्स का वो मैं आपको बताता हूँ इन वाशल्स का क्या रोल होता है और ये इसकी क्या साइंस है ये ऐसे आ गया इसमें किसी में दो किसी में तीन लगी होती हैं ये बारीक बारीक वाशल्स इनको शिम्स कहते हैं ये इधर आ जाएंगी उसके बाद ये ऊपर आ जाएगी उसके ऊपर एक लॉक वाशल आ जाएगी और फिर ये नट आ जाता है जिसे टाइट कर लेते हैं ये यहाँ पे इसको चेक करने का तरीका भी होता है कि ये वाला जो है ये ये निकाल के और ये पीस इसमें से फिक्स करें अगर तो ये फंस के जा रहा है मतलब है कि आपकी सील ठीक है ये देखें जब ये घूम रहा है तो ये इसको ऊपर नीचे होना चाहिए ये बेसिकली सील पूरी नहीं बैठी ये बिल्कुल इसकी नीचे तक होनी चाहिए इस वजह से काम नहीं कर रहा अगर सील भी पूरी नहीं बैठी होगी फिर भी काम नहीं करेगा इसकी सरफेस से बराबर या एटलीस्ट अंदर हो तब भी काम करेगा अगर ये उठी होगी थोड़ी सी भी सरफेस से तो फिर ये काम नहीं करेगा अब ये देखें कि जब ये इसमें मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है ये देखें इसको कहा जाता है ऑयल पंप का स्ट्रोक यामा हवाई भी हंड्रेड का स्ट्रोक है पॉइंट पॉइंट टू ज़ीरो से पॉइंट टू फाइव मिलीमीटर अगर इससे कम होगा तो ऑयल की सप्लाई कम होगी अगर इससे ज़्यादा स्ट्रोक दे रहा है आइडल पे आइडल पे चेक कैसे करना है या तो बाइक स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे जो वायर लगती है ऑयल पंप के लिए जहाँ पे वो आपने उतार देनी है अगर वो नहीं उतारना चाहते तो एडजस्टर से इतना लूज़ करना है आपने कि ये जो है ये स्पिन के साथ टच हो जाए तब आपने चेक करना है और ये होना चाहिए कम से कम पॉइंट टू ज़ीरो अगर इससे कम है पॉइंट टू ज़ीरो से कम है या पॉइंट टू फाइव से भी ज़्यादा है पॉइंट टू से कम होगा तो क्या होगा कि आप ये बहुत कम यानी नॉर्मल से ही कम ऑयल की सप्लाई देगा अगर ये स्ट्रोक आपका ज़्यादा है पॉइंट टू फाइव से भी ज़्यादा है आइडल आर पी एम पे तो क्या होगा कि ये ज़रूरत से ज़्यादा आपका ऑयल सप्लाई करना शुरू कर देगा तो उसका नुकसान ही होगा तो बार बार बाइक प्लग शार्ट करेगा अब इस स्ट्रोक को कम और ज़्यादा कैसे करना है वो समझें अगर तो आपका कुछ बाइक एक ऐसे होते हैं पम्प्स में ऐसे फॉल्ट हो बज़ाहिर देखने में आते हैं जी कि बाइक आइडल पे खड़ा है स्टार्ट है लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ऐसे साइड बाय साइड मूव कर लेता है माइनर सा या वो भी नहीं करता और ये ऊपर नीचे जैसी मूवमेंट हो रही है ये होती नहीं लेकिन जो ही आप थ्रॉटल देते हैं ये ऐसे खींचने होती है तब ये स्ट्रोक देना शुरू कर देता है तो ऐसे बाइक को लो आरपीएम पे ऑयल की सप्लाई नहीं मिलती तो वो कहें उनके कनेक्टिंग रॉड भी जल्दी आवाज कर जाते हैं बैरिंग भी जल्दी और पिस्टन रिंग वगैरह वो भी सारा कुछ डैमेज होता है यानी वो इंजन लॉन्ग लाइफ नहीं चलते उसका तरीका क्या होता है कि आपने ये ओपन करना है ऊपर से पंप उतारने की खोलने की ज़रूरत नहीं है ये उतारें ये लॉक वाशर भी उतारें अगर तो आपका स्ट्रोक कम दे रहा है या नहीं दे रहा तो यहाँ पर आपने एक बारीक सी एक्स्ट्रा वाशर रख देनी है कोई भी बारीक से एक्स्ट्रा वाशर रख के एक रखें पहले उसके बाद दोबारा से ये लगा के ये नट ऊपर लगा के फिर आपने बाइक स्टार्ट करके चेक करना है कि ये कितना स्टोक दे रहा है अगर ज़रूरत से ज़्यादा दे रहा है तो फिर आपको जो वाशर रखी है उससे थोड़ी सी बारीक लगानी पड़ेगी या ऑलरेडी जो पड़ी हैं उसमें से एक बारीक वाशर निकाल दें तो इस तरीके से आप अपना स्टोक एडजस्ट कर सकते हैं अगर स्टोक ये जरूरत से ज़्यादा दे रहा है तो फिर आपको इसमें से एक आधी वाशल निकालनी पड़ेगी जिससे आपका ये स्टोक बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा अब देखें जैसे ये मैं बताया था इंजेक्शन की तरह काम करता है जैसे ये ऐसे सा किया दोबारा फिर फिल किया ऐसे सा किया दूसरे पोर्शन में उसने धकेल दिया अब यहाँ पे सपोज ये सील है अगर ये है ही ख़राब तो जब हमने ऐसे करना है तो उसने सक ही नहीं करना यह बहुत कम शक करेगा तो यहाँ से जब ऐसे पुश करेंगे सारा थोड़ा बहुत जो इसने ऐसे फिल किया होगा अपने अंदर ट्यूब में तो सारे का सारा वो जाएगा भी नहीं कुछ यहाँ से लीक कर जाएगा थोड़ा सा आगे चल जाएगा वो तो सप्लाई उल्टा कम हो जाएगी तो वो ऑयल पाम जो नॉर्मल से ज़्यादा कह लें कि ऑयल फ्राह्म होते हैं उनका स्ट्रोक ज़्यादा होता है वो सिर्फ आपने इन वाशलों के ज़रिए ही एडजस्ट करना होता है अब सवाल ये पैदा होता है अक्सर माइंड में आता है यार ये वाशर्स के ज़रिए स्ट्रोक में चेंज कैसे आता है सोचने की बात है इसका मैं आपको इसकी लॉजिक बता देता हूँ कि जो इसकी जो नॉर्मल कंडीशन है इसके स्ट्रोक की कि इसकी मूवमेंट जो है कि ये कि जो ये सरफेस है और ये इसके बराबर तक ही आता है इससे नीचे ये नहीं जाता इसके बराबर सरफेस आती है और इसने ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव करना होता है और मोमेंट इसकी रोकनी किसने है इस बड़ी वाशल ने जो यहाँ पे आती है अब अगर हम देखें इस पर ये फ़िलहाल मैं इस पर तीन वाशल्स ये रखता हूँ उसको मैं स्ट्रोक की पोजीशन पर ले जाता हूँ ये यहाँ पे ये फुल ऊपर था कभी ये यहाँ पे रखता हूँ और ये देखें ये साइडों से गैप देख लें मैं इस पर एक वाशल और रखता हूँ बल्कि दो रख देता हूँ ये काफ़ी मोटी वाशल है अब ये देखें कहाँ तक आ गया ये रोकना इस वाशल ने है इसको कि कहाँ तक नीचे जाना है कहाँ तक ऊपर जाना है ये बेसिकली काम कैसे करता है कम आरपीएम पे कि ऐसे सा किया ऐसे दूसरी जगह पे सप्लाई दे दी यहाँ से सा किया फिर आगे पुश कर दिया जून जो जो थ्रॉटल हम ज़्यादा करते जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये नीचे मूव करती चली जाती है ये वाली और वाशल नीचे तक शिफ्ट होना शुरू हो जाती है क्योंकि तो देखें जब ये मूव करती है तो ये नीचे शिफ्ट हो रही है ये ये डिस्टेंस इसका ये देखें तो फिर वाशल जो है ज़्यादा नीचे तक जा सकती है यानी ये नॉर्मल कंडीशन में आइडल पे ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे काम करता है जब ज़्यादा आरपीएम पे होगा तो फिर ये ऊपर नीचे फुल स्पीड से ऐसे ऐसे काम करेगा तो ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन में जैसे इंजेक्शन में देखें कि ये ऐसे ऐसे काम करेगा और थ्रॉटल ज़्यादा दे देते जाएंगे तो फिर ये यहाँ तक शुरू हो जाएगा ऐसे ऐसे करना ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बाद एक फॉल्ट ये भी आते हैं पंप में कि आपकी जो ये गरारी होती है इसके कोई धंदे टूट जाते हैं बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं अगर एक दंदा भी घिस गया तो ये ऑयल पंप आपका कह लेंगे वर्क नहीं करेगा टूट गया या दो धंदे तो फिर से किसी टाइम भी रुक जाएगा ये काम नहीं करेगा फिर आपको ये रिप्लेस ही करनी पड़ेगी और ये नहीं मिलती नहीं है या किसी देसी पंप से निकालनी पड़ेगी या को पुराना कहीं से कबाड़ी से मिल जाए वहाँ से आपको ये निकालनी पड़ेगी अच्छा एक कुछ लोग इस तरह करते हैं बल्कि कुछ क्या कि अक्सरियत ही आजकल ये करती है कि टंकी में ऑयल डलवा लेते हैं और टापे जो है वो पंप काम ही नहीं करता या उतार दिया होता है या वैसे उसको यूज़ नहीं करते टापे वाले ऑयल को तो टंकी में डलवाते हैं उसका नुकसान मैं बता देता हूँ क्या होता है कि एक तो उसकी सक्शन प्लेट सक्शन पल्ला सक्शन कुप्पा जल्दी घिसता है उससे जो जिसके पंप काम नहीं कर रहे होते और उसका दूसरा नुकसान ये होता है कि देखें ये पंप इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जब आप थ्रॉटल ज़्यादा दें बेशक इंजन की स्पीड कम हो तब भी ऑयल की सप्लाई ज़्यादा कर देता है उसके बाद जब इंजन की स्पीड ज़्यादा होती है उस टाइम भी ये ऑयल की सप्लाई ज़्यादा कर देता है अब कई दफ़ा ये ऐसी कंडीशन भी होती है अक्सर होती है बल्कि कि आप जा रहे हैं तो और आपने क्या किया है कि जैसे इसको इंजन ब्रेकिंग भी कहते हैं थ्रॉटल छोड़ देते हैं और आप कह लें कि क्लच भी छोड़ा हुआ है या बेशक आ, क्लच आपने नहीं प्रेस किया और आपने काफ़ी ज़्यादा स्पीड और आपने और थ्रॉटल को बंद कर दिया अब उस सूरत में क्या होता है इंजन तो घूम रहा है उसकी क्रैंक पिस्टन वगैरह सब कुछ घूम रहा है लेकिन कह लें कि जो पेट्रोल की सप्लाई है वो तो आप कह लें कि मिनिमम पोजिशन पर जा रही होती है क्योंकि आपने थ्रॉटल को ही छोड़ दिया है तो वहाँ से फिर आयल जो है वो डेफिनेटली कम जाना शुरू हो जाता है अगर आयल पम्प लगा होगा वो तो इंजन की स्पीड के हिसाब से उसको ऑयल ज़्यादा देता रहेगा लेकिन कार्बोरेटर के थ्रू अगर आप दे रहे हैं उसको पेट्रोल में मिक्स करके उस टाइम तो फ्यूल बहुत कम जाता है मिनिमम कहने कोांटिटी में तो वहाँ से भी आयल कम मिलता है उसको और ये चीज़ मुशाह में आई है और तजर्बे से साबित है कि जिनके ऑयल पम्प काम नहीं करते उनके इन टेक वाले एरिया जल्दी घिस जाता है चल पढ़िए ऑयल पंप की एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाती है मैं एक सबसे शुरू में एक वीडियो बनाई थी ऑयल पंप की एडजस्टमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूँ ये एक मार्क देखें ये, ये लाइन सी एडजस्टमेंट इस तरह होती है कि ये यहाँ पे हो जब आप थ्रॉटल देते हैं थोड़ा सा थ्रॉटल दे बाइक स्टार्ट नहीं करना वैसे ही कि ये इस जगह पे हो इसके मिड में ये लाइन यहाँ पर और कार्बोरेटर की जो स्लाइड है उसके ऊपर गोल सा दायरा बना होता है वो ऊपर उसकी मंचूरी को टच कर जाए या जा वो टच कर जाए और साथ ये इसके आमने साम, सामने आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी ऑयल पम्प की सेटिंग बिल्कुल ओके है यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक है अगर ये चीज़ आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक ऑयल पम्प की वीडियो बनाई थी ऑयल पम्प के एडजस्टमेंट के बारे में वहाँ से आप देख सकते हैं और आपको वहाँ से मजीदी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह शह मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह अल्लाहफि